130,000 नए बच्चे मध्य प्रदेश के बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश के 40 साल से नीचे के एक करोड़ तीस लाख बच्चे बेरोजगार हैं, अर्ध बेरोजगार हैं, ग्रामीण और शहरी, पढ़े लिखे भी हैं और कम पढ़े लिखे भी हैं। क्या 2 करोड़ रोजगार की आपने बात की थी 10 साल पहले? आपकी सरकार पिछली हर महीने 1 लाख रोजगार देने की बात की थी, तो 1 करोड़ 30 लाख बच्चे और बच्चियां बेरोजगार क्यों हैं? इसका उत्तर देश के प्रधानमंत्री को देना है चाहिए, प्रदेश की जनता को स्पष्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है, 2023 के चुनाव है, इन जितनी बातें मैंने कही इन वादों को लेकर जिस प्रदेश के लोगों ने जनादेश बीजेपी को दिया, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे दिया, क्या कारण है कि जो विधायक चुन के आए उनसे आपने नहीं पूछा कि आप किस मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं? शिवराज जी को करते हैं, मोहन यादव करते हैं या अन्य तीसरे को करते हैं? आपने एक चिट्ठी भेजी और उस चिट्ठी में मोहन यादव जी का नाम लिख के भेज दिया, यानी चिट्ठी के पर्ची के मुख्यमंत्री आपने मध्य प्रदेश में बना दिए। पर मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल विंध कोठी निवास पर सुधीर शर्मा व्यापम के आरोपी हैं ये अश्विन नाथू और निखिल गुप्ता, ये किस पद पे हैं जो सरकार पर्दे के पीछे चला रहे हैं, ट्रांसफर करते हैं, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देते हैं? क्या लॉजिक है कि अयोग्य मुख्यमंत्री आपने भेजा और व्यापम के आरोपी सुधीर शर्मा और अश्विन नाथू और निखिल गुप्ता पीछे से सरकार चलाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देते हैं? ये प्रदेश के लिए, लोकतंत्र के लिए, प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, यहाँ के संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा है कि एक अपराधी प्रदेश की सरकार चला रहा है, सुधीर शर्मा, पर्दे के पीछे से। ये प्रधानमंत्री से मेरा अंतिम सवाल है, अगर देश के प्रधानमंत्री देश के सामने ये बातें स्पष्ट करेंगे तो मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के लोगों को ये एहसास होगा कि हाँ, जवाब देते हैं। मैं 8 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये सवाल कर रहा हूँ, उनको आज जबलपुर में ये बताना चाहिए। और मैंने